नमस्कार दोस्तों, मैं भोलेनाथ पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आजकल यूट्यूब इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी के साथ सेट थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं आप सभी को ऑपरेशन ऑन द सेट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आप सभी को यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इस पर भी कम्प्लीटली डिटेल में वीडियो बनाया है। आज हम लोग, चूंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ द सेट के बारे में डिस्कस किया था कि दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो इंटरसेक्शन के बेस पे एक स्पेशल टाइप के सेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट थोड़ा सा ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में भी, तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आइए देखिए इस टॉपिक को कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है। तो पहले लिख लेते हैं भैया टॉपिक का नाम, डिसजॉइंट सेट्स। जैसा कि नाम से लग रहा है, डिसजॉइंट मतलब जो आपस में जुड़े ना हो, जो आपस में जुड़े ना हो, तो यही इसका मीनिंग भी यही है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि यदि दो सेट हो आपके पास, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है, टू फाइनाइट सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, देन ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब देखो ये डिफिनीशन है इसका, डिफिनीशन क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो फाइनाइट सेट हो सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई हो, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। कहने का मतलब ये है कि यदि दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो आप और वो इंटरसेक्शन कितना है, फाई आए, तो आप बोल दोगे कि ये दोनों सेट क्या है, परस्पर करस्पॉन्डिंग क्या है, ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं इसको, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि दो सेट पे निकालते हैं ना। अब एग्जांपल तो बताऊंगा मैं, पहले इसके पहले आप थोड़ा सा इसको और समझ लो। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इसका मतलब ये है, चूंकि इंटरसेक्शन फाई कब होगा, जब उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट होता है तभी तो इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। तो इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि यदि दो सेट दिए गए हैं जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आप बोल दोगे कि वो दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप यहां पे मैंने एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और मैंने मान लो दूसरा सेट ले लिया 1 2। अब इन दोनों में बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो कोई कॉमन ही नहीं है भैया, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसलिए ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है दोस्तों, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट वो जो जुड़ा ना हो, जो आपस में जुड़ा ना हो। और आप सभी जानते हो, प्रैक्टिकली भी इस बात को थोड़ा प्रायोगिक तौर पे समझ सकते हो, कोई दो चीज यदि आपस में जुड़ी है तो किसी कॉमन पोर्शन की वजह से जुड़ी है। कोई दो चीज यदि आपस में जुड़ी है तो उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो किसी कॉमन पोर्शन की वजह से जुड़ी है। जीवन में भी यही बात लागू होता है, दो इंसान यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो कोई रिश्ता है ना, कोई ऐसी बात है जो कॉमन है, जो दोनों में है। दो लोग फ्रेंड बनते हैं तो भी इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि कोई ऐसी बात है जो कॉमन है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कॉमन चीजें ही मतलब चीजों को जोड़ती है, जो कॉमन बातें होती हैं वही लोगों को जोड़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि सेट में भी यदि इंटरसेक्शन फाई होगा तो उसको आप डिसजॉइंट सेट बोलोगे, क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं रहेंगे, बिकॉज उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये रहा एग्जांपल डिसजॉइंट सेट का और ये रहा डिफिनेशन। तो भैया ये था डिसजॉइंट सेट का मीनिंग, कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है, डिसजॉइंट सेट का डिफिनेशन क्या है, और डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि डिसजॉइंट सेट कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक जाना। अब आइए हम लोग मतलब वेन डायग्राम सीख लेते हैं, डिसजॉइंट सेट को भी देखते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू डिसजॉइंट सेट को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। आइए देखते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है, इसके बारे में तो आप सभी परिचित ही हो, क्योंकि बहुत सारे इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने चूंकि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन सिखाया, तो वहां पे वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं सिखाया ही, और मैंने एक वेन डायग्राम के ऊपर पूरा वीडियो ही बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। फिलहाल में यदि वेन डायग्राम को हम लोग प्लॉट करना चाहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं
कि कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में तो आप सभी को जानकारी होगी ही कि हम लोग पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं. दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये ठीक है. इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे U लिखते हैं. U किसको रिप्रेजेंट करता है, ये U रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को. किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को. अब यहाँ पे आपको डिसजॉइंट सेट डिस्क्राइब करना है दोस्तों. क्या डिस्क्राइब करना है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट डिस्क्राइब करना है. तो डिसजॉइंट सेट को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे. अभी आपने जाना कि डिसजॉइंट सेट हम उस सेट को कहते हैं जहां पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो 5 होती है. मतलब कोई ए इंटरसेक्शन बी होता ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5 होता है. तो यदि आप देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी का यदि हम लोग वेन डायग्राम बनाए, जैसा कि अगर छोटा सा मैं वेन डायग्राम आप सभी को प्लॉट करके सिखाऊं कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया अपना मान लो वेन डायग्राम, ये सेट ए हो गया, ये सेट हो गया बी. तो ए इंटरसेक्शन बी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है ये. तो यदि आप इस चीज को समझो तो डिसजॉइंट केस में, डिसजॉइंट के केस में ये ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाता है. कहने का मतलब कोई कॉमन पोर्शन होता ही नहीं. अभी तक आपने यही जाना ना कि डिसजॉइंट सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती. तो इसका मतलब ये कि यदि आपको वेन डायग्राम बनाना हो डिसजॉइंट सेट का, तो आप कैसे प्लॉट करोगे, आप ए और बी सेट को ऐसे प्लॉट करोगे कि उनके बीच में कोई कॉमन हो ही ना. कैसे, कैसे, ए और बी, ये सेट ए हो गया, ये सेट हो गया बी. तो यहां पे चूंकि कोई कॉमन पोर्शन है नहीं, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है. यहां पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है. तो आप वेन डायग्राम बना सकते हो डिसजॉइंट सेट का. कैसे बना सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी वाले कॉन्सेप्ट को देख के, कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, वो चीजें कॉमन होती हैं. कुछ चीज ऐसा होता है जो ए में भी होता है, जो बी में भी होता है, उसी को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं. बट इन द केस ऑफ द डिसजॉइंट सेट, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होती है. 5 इसलिए होती है क्योंकि डिसजॉइंट नाम से ही लग रहा है, जो जुड़ा ही ना हो आपस में. तो जुड़ेगा कैसे, कॉमन होगा तब तो जुड़ेगा, कॉमन नहीं होगा तो जुड़ेगा ही नहीं. तो इस तरीके से हम बनाएंगे दोनों को, अलग अलग बनाएंगे, और इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट. मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा कि डिसजॉइंट सेट कहते किसको है, क्या मतलब होता है डिसजॉइंट सेट का. फिर भी यदि आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा. बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए. बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुद को और देश को आगे बढ़ाते रहिए. जय हिंद, जय भारत.